बसमिली बिसमिल रिमी सलाम स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के करंट पेपर्स इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट डिफ़िकल्टे बस एक मिथ है जो कि स्टूडेंट्स के दरियान पाई जाती है कि ई एन जी फाइव टूल्व का पेपर डिफिकल्ट आता है ई एन जी फाइव टूएल्व में बस एक ही टॉपिक है बायो लिंगजम और हर एंगल से उसी पर बात हो रही है तो ये कोई डिफ़िकल्ट बुक नहीं है बस इसका जो कॉन्सेप्ट है ना मतलब इस पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो थोड़े से उन्होंने चेंज करके और घुमा फिरा के दिए होते हैं लेकिन यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के करंट पेपर में आपके साथ शेयर करती हूँ जिनको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है तो अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे फर्स्ट स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है इनका यह कहना है कि जो एम थे वो थर्टी परसेंट फाइल से आए थे और बाकी जो रिमेनिंग थे वो लेक्चर हैंड आउट और पी स्लाइड्स से आए थे क्वेश्चन जो इनके पेपर में आए हुए थे वो है हमारे पास लैंग्वेज बिलीफ डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी अडल्ट लैंग्वेज लर्निंग वर्ड मीनिंग बर्विंग फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस पिजिन एंड क्रियोल ट्रांस लैंग्वेजिंग एंड इट्स एडवांटेजेज बाय सैन विलियम थ्री पीरियडस ऑफ सोश सोशो हिस्टोिक एंड सोशो लिंग्विस्टिक बायोलिंगजम इक्विटी ऑफ टाइम सोशल जस्टिस इन लैंग्वेज पैडागोजी वाई इट इज़ इम्पॉटेंट द एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड अर्लियर टू द सेकेंड लैंग्वेज सेकेंड स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है उनका यह कहना है कि जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एम्स यूज थे वो फाइल्स आए हुए थे और रिमेनिंग जो है वो हैंड आउट्स आए थे और क्वेश्चन थे इनके पेपर में प्लेस डिटर्मेंट डिफाइन इमरजेंट बायोलिंग रिकर्सिव बायिंगजम डिफाइन डायलैक्ट लैंग्वेज पॉलिसी यूज इन स्कूल्स रोल ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन स्कूल द गोल ऑफ इमरजेंट फॉर बायोलिंग स्टीचिंग एक और स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है उनके जो एम सी क्यूज थे उनका कहना है कि हैंड आउट लेक्चर और कॉन्सेप्चुअल भी थे यानी कि मिक्स आए हुए थे और शॉर्ट क्वेश्चन इनके पेपर में आए हुए थे हाउस कैटनप कंगास डिवाइड लैंग्वेज ऑन अकाउंट ऑफ लिंग्वेसिज्म हाउ ओल्डर स्टूडेंट्स कैन मेक बेटर प्रोग्रेस इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज हाउ मैक्रो अल्टरनेशन फैसिलिटेट बाई लिंग्वलिजम मोनोलिट्रेट बाई लिंग्वलिजम फैक्टर दैट इफेक्ट लैंग्वेज लैंग्वेजिंग इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेटिव पैडागॉजी आगे हमारे पास इस इन्हीं के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो है हमारे पास वट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरस्टेंडिंग पावर डायनामिक्स गिव एग्जाम्पल वट फैक्टर्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग लैंग्वेज एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन तो ये इन स्टूडेंट के पेपर में क्वेश्चन थे नेक्स्ट एक और स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है उनका ये कहना है कि जो एम थे वो ट्वेंटी परसेंट फाइल से थे और सिक्सटी परसेंट हैंड आउट से थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थे क्वेश्चन थे इनके पेपर में विच पॉलिसी यूज मल्टीपल बायोलिंगल मॉडल स्ट्रिक्ट सेपरेशन सब्सट्रेक्टिव बायोलिंग्वलिजम विच रेफरेंस टू पाकिस्तान हाउ वी क्रिएट कोर्स विचिंग अवेयरनेस इन बायोलिंग्वल टीचिंग डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलैंग्वेजिंग कोड स्विचिंग इन क्लासरूम विद एग्जाम्पल हाउ बैलेंस्ड बाइलिंगुअलिज्म इज नॉट पॉसिबल रीजन ऑफ यूजिंग स्टैंडर लैंग्वेज इन स्कूल वाई रिसर्च इज यूजिंग स्टैंडर लैंग्वेज इन स्कूल एंड विच प्रोडक्टिव बाइलिंगुअल एबिलिटीज। एक और स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है उनका यह कहना है कि एम सी क्यूज जो थे वो फाइ हैंड आउट से आए हुए थे और यानी कि फाइल से इतना पेपर नहीं आया हुआ था और कॉन्सेप्चुअल थे एम सी क्यूज शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास राइट एंड एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज what is the political advantage of mother tongue how trans-languaging help in bilingual acquisition basic elements of sign language decision making or Is long question the, what is the researcher view in the early second language to student in bilingual setting what is languaging three ways of languaging why is important for student and educators to give importance and the value of trans practice राइट फाइव फ्लैक्सीबल बायोलिंगल अरेंजमेंट्स आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है उनका यह कहना है कि जो एम सी क्यूज थे वोटल टेन टू ट्वेल्व फाइल से आए थे और दूसरे बाकी जो एम सी क्यूज थे वो हैंड आउट से आए थे और कॉन्सेप्चुअल थे मोनोलिटरेट बायोलिंग्वलिजम कोड स्विचिंग ट्रांसफॉर्मेटिव पेडेगोजी राइट थ्री बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रेन टू डिप बायोलिंग्वलिज्म फैक्टर दैट अफेक्ट लैंग्वेजिंग इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी शॉर्ट नोट ऑन हेरिटेज लैंग्वेज म फाइव कंट्रीज वेयर एकेडमीज ओपन फाइव फ्लैक्सीबिलिटी बायलिंगल अरेंजमेंट्स उसके बाद आया हुआ था एड ए लेसन फ्राम ये चैप्टर थर्टी फर्स्ट में है ये वाला पैराग्राफ आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है इनका ये कहना है कि जो एम सी क्यूज थे वो फाइल से भी थे और हैंड आउट से भी थी कुछ कंसेप्चुअल भी थे यानी कि मिक्स थे और जो क्वेश्चन थे वो उनमें था सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैक्सीबल बाइलिंगल अरेंजमेंट्स बायो लिंगल एजुकेशन ऑफ एडल्ट एट स्कूल ऑफ ये यहाँ पे बर्लैस इन्होंने बताया हुआ आई थिंक ये ब्रिटिश है रिसर्चर्स व्यू अबाउट चिल्ड्रन बायोलिंग एजुकेशन एक और स्टूडेंट का पेपर है उनका कहना है कि एम्स क्यूज फाइल्स थे मोस्टली और शॉर्ट क्वेश्चन थे नेम टू लैंग्वेज सिस्टम थ्री डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड चिल्ड्रन बायोलिंग डिवेलपमेंट टू ऑफ करैक्टरिस्टिकसेंग्वल ट्रांसलेशन एजुकेशन टू एग्जाम्पल ऑफ को लैंग्वेजेस डिफाइन ट्रांस लैंग्वेजिंग एंड डिस्क्राइब सम करेक्टरिस्टिक्स राइट अ नोट ऑन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी वाट आर द डिफरेंट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो रिलेशन आगे एक और स्टूडेंट का पेपर है इनका ये कहना है कि अच्छा यहाँ पर न कुछ आंसर दिए हुए ट्रांस लैंग्वेजिंग बाई लैंग्वेज एजुकेशन एंड ट्रांस लैंग्वेजिंग यह वाले जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे थे यहाँ पे इनके कुछ आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं ये आप देख लें एक दफा बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उनके आंसर आपको हैंड आउट से की वर्ड से जस्ट आप सर्च करें वो आपको इजीली मिल जाएंगे बेसिक डिफिनेशन पूछी हुई है पेपर में और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो स्टडी विद दवा चैनल पर इसके शॉर्ट लेक्चर्स मौजूद हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी आप लेक्चर्स वॉच करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें इसमें जो आपके कॉन्सेप्चुअल एम्सक्यूज़ होंगे वो भी आप ईजीली सॉल्व कर लेंगे एक और स्टूडेंट का हमारे पास पेपर है उनके जो एम सी क्यूज थे इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस इन बिहेवियरिज्म ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज दिएम हैं जो कि उनके पेपर में आए हुए थे एज वु ट्रांस लैंग्वेज वी डैश स्पोर्ट सिस्टम मैक्सीमाइज स्टूडेंट्स वर्क साइड बाई साइड इन डिफरेंट लैंग्वेजिंग थ्रो कंप्यूटर अजिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन को लैंग्वेजिंग वेयर द कंटेंट इज प्रजेंटेड टू डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स थ्रो फेसिलिटेटिव पावर पॉइंट विच ऑफ़ द फॉलविंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम अरेंजमेंट्स डिवेलप्ड बाय सेंट विलियम्स Listening European Commission presented resums uh, in nineteen eighty-seven. a educational program language related equity of time means equal distribution of time. Which of the following is not in adult bilingual development? Simple communication. When monoglossic ideologies persist monolingualism and monolingual schools are the norm. अर्ली स्कॉलर्स ऑफ बायोलिंग्वलिजम ओनली कंसिडर डैश कंट्रोल ऑफ टू लैंग्वेज एज अ साइन ऑफ बायोलिंग्वलिजम नेटिव लाइक कार्ल पेब्रिवेशन कोगनेटिव एक्डेमिक लैंग्वेज प्रोफिशंसी इसके अलावा बिग्स की भी आपसे पूछी जा सकती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल एवरी लैंग्वेज कम्युनिटी मस्ट बिकम अवेयर ऑफ इट्स पोजिशन इन डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इन विच कंट्री एथनिक लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज होम लैंग्वेज सिंगापुर विच ऑफ़ द फॉलविंग लैंग्वेज वर टॉट इन फोर थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड एज ग्रीक लेटिन तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू से जो कि आपके पेपर में भी आ सकते हैं आई होप्स की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दो में याद रखिएगा